एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट, और उसके बाद आगे देखेंगे कॉम्बिनेशन। छोटा सा एक रिवीजन ले लेते हैं। सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है? एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज परमुटेशन सेम रहेगा द फॉर्मूला इज एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू, और दूसरा अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज परमुटेशन डिफरेंट रहेगा द फॉर्मूला इज एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं सम नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया अपना। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सम नंबर फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर 15 पीपल टू सिट अराउंड द टेबल सो दैट नो टू अरेंजमेंट हैव द सेम नेबर्स। 15 पीपल को टेबल पे बिठाना है इस तरीके से कि दो नेबर्स सेम नहीं होने चाहिए। मतलब मान लो कि दो नेबर्स कैसे दिखाएंगे, हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। दो नेबर्स सेम नहीं होने चाहिए। मान लो कि ये पर्टिकुलर पर्सन ए है, इसके लेफ्ट में बैठा है बी और इसके राइट में बैठा है सी। ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी ए होस्ट है, इसके लेफ्ट में बैठा है सी और इसके राइट में बैठा है बी। तो इन दोनों केसेस में इनके नेबर सेम हो गए। ए का नेबर कौन है? बी और सी। यहाँ पे भी ए का नेबर कौन है? सी एंड बी। भले ही आपका वो पोजिशन अलग है बट नेबर्स आर सेम। लेट मीन्स यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि नेबर्स अगर सेम नहीं होने चाहिए तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को सेम काउंट करना मुझे, क्योंकि क्लॉकवाइज में ए ए बी सी हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज में ए सी बी हो जाएगा। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है? क्लॉकवाइज में हमको क्या मिलेगा? ए सी बी, और एंटी क्लॉकवाइज में हमको क्या मिलेगा? ए सी बी। नेबर सेम हो जाएंगे ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेबर सेम नहीं होने चाहिए, नेबर सेम नहीं होने चाहिए। तो हम लोगों ने क्लियरली समझ लिया यहाँ पे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अगर सेम होगा तो ही नेबर सेम होगा ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अगर सेम होगा तो ही तो नेबर सेम होगा। क्लियर है इतना? पक्का? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 15 लोगों को बिठाना है। लोग कहाँ पे? 15 लोगों को टेबल पे बिठाना है। 15 पर्सन कैन बी अरेंज अराउंड अ टेबल इन 14 फैक्टोरियल वेज। पढ़ा हमने 15 पर्सन। सर रिपीट करो ना। वापस बताता हूँ, वापस बताता हूँ, प्लीज ध्यान देना। 15 persons can be arranged on a table in 15 minus 1 factorial which is equal to 14 factorial base। ठीक है, 15 पर्सन को अगर टेबल पे बिठाएंगे तो कैसे बिठाएंगे? 14 फैक्टोरियल। ये तो क्लियर है हाँ। तो अराउंड द टेबल यू कैन से दैट अराउंड टेबल जो आपका अरेंजमेंट है, जो आपका अरेंजमेंट है कौन सा? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दोनों के दोनों सेम होंगे। और यहाँ से क्लियरली समझ में आता है कि ए का जो नेबर है यहाँ पे, ए के नेबर कौन है? बी और सी। और यहाँ पे भी ए का नेबर कौन है? सी और बी। तो डेट मीन्स हम लोग को यहाँ पे कौन सा फेसेस लेना है? अगर आप अच्छे से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट नो टू अरेंजमेंट हैव द सेम नेबर। मतलब ये और इसको एक ही काउंट करेंगे ना हम लोग। अगर इसको एक ही काउंट किया तो फिर सेम नेबर हो जाएगा। हम लोग को ए बी सी और ए क्लॉकवाइज में ए सी भी आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में भी ए सी भी आ रहा है। तो अगर हम लोग ने इन दोनों को अलग अलग काउंट नहीं किया, ये दोनों के दोनों अरेंजमेंट सेम है। तो मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है, तभी तो नेबर सेम आएगा। दैट मींस वी हैव टू काउंट बोथ ऑफ दिस एज अ सिंगल अरेंजमेंट। दैट मींस वी कैन से दैट अरेंजमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या है? सेम है। तो देखो नंबर ऑफ वेज कितना आएगा आंसर? मैं आपको पढ़ाया था अच्छे से,
अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होगा तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ परमुटेशन का एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू। एन माइनस परमुटेशन कितना आएगा सोचो थोड़ा, नंबर ऑफ फैक्टोरियल अपॉन टू। तो नंबर ऑफ परमुटेशन बोलो या नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोलो, वन इज द सेम थिंग। द आंसर इज एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू, बिकॉज क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर काउंट टू बी द सेम। अगर इसको सेम काउंट नहीं करोगे तो दो नेबर हमेशा साथ में बैठेंगे। जैसे ए का नेबर कौन है यहाँ पे, ए का नेबर बी और सी है, यहाँ पे ए का नेबर कौन है, सी और बी है, तो एक ही बात हो गया ना। बट ये क्या बोल रहा है कि दो नेबर साथ में नहीं चाहिए, दैट मीन्स यहाँ से क्लिक होता है कि अगर दो नेबर साथ में नहीं चाहिए तो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को एज अ सेम अरेंजमेंट काउंट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ मैंने क्या सिखाया, पहले 15 लोगों को बिठाया 14 फैक्टोरियल्स में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है तो बोथ ऑफ दिस अरेंजमेंट कैन बी काउंटेड एज वन। तो हर दो अरेंजमेंट रिपीट होने वाला है, डिवाइड बाय 2 करेंगे इसको। समझ में आया पक्का एवरीवन, सब नंबर फोर्थ, सो द आंसर इज 14 फैक्टोरियल अपॉन 2। सर समझा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम, अभी मैं अल्टरनेट सम्स कराऊंगा, बाकी सम्स आप ट्राई करो खुद से, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा खींच रहा है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है चैप्टर में। तो मैं अल्टरनेट सम्स कराऊंगा, जो भी आपके डाउट्स एंड डिफिकल्टीज होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे इसके एंट्रेंस के पार्ट में। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है इसका एंट्रेंस भी आप आराम से कवर कर ही लोगे। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4, वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 तो कर ही लोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जो फॉर टफ है वो कराता हूं। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज एक चीज हमें स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। सो नो टू नेबर्स आर सेम, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को सेम काउंट करना पड़ेगा। एंड द फॉर्मूला इज एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। वी मूव टू सम नंबर 6। नाउ 6 से सम में क्या बोला है, 5 मेन 2 वुमेन एंड अ चाइल्ड सिट अराउंड अ टेबल। 5 मेन है 2 वुमेन है एंड अ चाइल्ड सिट अराउंड अ टेबल, लिखना पड़ेगा यहां पे 5 मेन 2 वुमेन and a child, 5 men, 2 women and a child sit around a table. ठीक है, 5 men, 2 women and a child sit around a table. Find the number of arrangement where the child is seated between the two women. अब guys 5 men से 5 men को बाजू में रखते हैं, पहले 2 women का बात निकालते हैं। यहाँ पे पहला केस क्या है, यहाँ पे पहला केस है कि द चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन द टू वुमेन। तो फर्स्ट केस है यहाँ पे, चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन टू वुमेन, चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन टू वुमेन, यहाँ पर पहला केस है ना, चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन टू वुमेन। मतलब कैसा होगा, सी को मैंने चाइल्ड बोल दिया और यहाँ पे आ गया डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू, चाइल्ड जो है वो दोनों वुमेन के बीच में बैठा है, तो ये विल फॉर्म अ ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म करेंगे। चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन टू वुमेन, समझा, तो चाइल्ड वुमेन वन और वुमेन टू जो है एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, ये एक ग्रुप हो गया और बाकी जो 5 मेन है, बाकी जो 5 मेन है, ठीक है, 5 मेन 2 वुमेन एंड अ चाइल्ड sit around the table, child is sitting between two women, मतलब child जो है ना दोनों women के बीच में होना चाहिए, तो ये हो गया 5, ये हो गया women and women two, और ये हो गया 5 men, तो इसका एक group हो जाएगा, और ये 5, कितने लोग overall 6 लोग हो गए, समझा, अभी round table पे बैठ रहे हैं हम लोग, तो women का एक group हो गया, समझा, child is seated between two women, तो women one, women two, इन दोनों के बीच में child बैठेगा और 5 मेंस है, तो एक हो गया ग्रुप चाइल्ड वुमेन्स का और 5 मेंस, टोटल लोग कितने लोग हो गए, 6 लोग। इतना समझ में आपको, अभी 6 लोग को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, हां 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, परफेक्ट, सुपर। सो नंबर ऑफ वेज इन व्हिच अ ग्रुप एंड 5 मेंस that is altogether 6, a group ho gaya and 5 men, that is altogether 6, can be arranged in
कैसा इंडिया रेंज है, सिक्स माइनस वन फैक्टोरियल विच इज एक्चुअली इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि आपका अगर ग्रुप और पांच मेन जो है इनको अगर राउंड टेबल पर अरेंज करने दो फाइव फैक्टोरियल आ गया। बट अभी वुमेन जो ग्रुप के अंदर है उनका दो अरेंजमेंट हो सकता है, वुमेन वन वुमेन टू या वुमेन टू वुमेन वन। तो चाइल्ड के असाइड चाइल्ड के साइड्स में जो वुमेन्स बैठे हैं दे कैन ऑल्सो भी अरेंज इन टू फैक्टोरियल वेज। तो वी कैन क्लियरली से दैट जो वुमेन बैठे हैं ऑल्सो द वुमेन्स विद इन द ग्रुप कैन बी अरेंज इन टू फैक्टोरियल वेज। ऑल्सो वुमेन विद इन द ग्रुप can be arranged in two factorial ways। समझे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, that will be the answer। देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आएगा, देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट factorial into two factorial, perfect। देखो the number of arrangement is equal to five factorial, यहाँ पे मैन और ग्रुप का टेबल पे बैठेंगे और विद इन द ग्रुप क्या होगा, विद इन द ग्रुप होगा टू फैक्टोरियल। तो फाइव फैक्टोरियल उन्होंने पढ़ा है 120 इनटू 2 कितना आएगा आंसर 240 वेज। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया सबको अच्छे से। तो हम लोग क्या बोला है, चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन टू वुमेन। तो चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन टू वुमेन मतलब यहाँ पे देख लो चाइल्ड और वुमेन्स का एक ग्रुप बन जाएगा इनटू फाइव मेंस। तो एक ग्रुप और पांच मेंस छह लोग को अरेंज करना है राउंड टेबल पे कैसे, फाइव फैक्टोरियल। वुमेन्स को ग्रुप के अंदर कैसे अरेंज करोगे, टू फैक्टोरियल। द आंसर इज फाइव फैक्टोरियल इनटू टू फैक्टोरियल व्हिच इज एक्चुअली 240। नाउ द सेकंड क्वेश्चन सेज दैट द चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन टू मेन। सेकंड इसका स्क्रीनशॉट लो, सेकंड आप लोग ट्राई करो, द चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन टू मेन। ठीक है, फर्स्ट का स्क्रीनशॉट लो फटाफट। सेकंड बोल रहा है यहां पे चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन टू मेन, चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन टू मेन। और यहां पे क्वेश्चन में कितने मेंस है, पांच मेंस है। Child is seated between two men. यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो देखना पड़ेगा हम लोगों को, समझने की कोशिश करना अच्छे से। यहाँ पे क्लियरली बोला है child is seated between two men। ठीक है, तो पहले हमारे पास पांच मेन्स है ना, इनका हम लोग एक कनेक्शन बना सकते हैं टू मेन्स का। फाइव मेन्स टू वुमेन एंड चाइल्ड इज सीट अराउंड टेबल, चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन टू मेन। तो मेन्स का ग्रुप कैसे बनेगा, मेंस का ग्रुप बनेगा, देखो पहला बनाओ यहाँ पे M1 M2, पहला क्या बनेगा M1 M2, दूसरा क्या बनेगा M1 M3। इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, पांच में से दो को सिलेक्ट करो 5C2, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आगे पढ़ते हैं वो, पहले इसको समझ के लेते हैं। फिर आएगा M1 M4 M1 M5। ठीक है, पहला मेन वन, बाद में वो टू थ्री फोर फाइव, उसके बाद M1, सॉरी M1 हो गया ना, अभी M2 से स्टार्ट करो। सो M2, M3, फिर आगे M2, M4, M2, M5, फिर आगे M3, M4, M3, M5 और M4, M5। 10 पॉसिबल वेज होगा जहां पे मैं ग्रुप ऑफ टू मेंस बना सकता हूँ। आप बोलोगे सर M1 M2 को आप M2 M1 भी लिख सकते हो ना, वो लोग ग्रुप के अंदर इसको इनटू टू फैक्टोरियल कर लेंगे, समझा, घुमा देंगे उसको चाइल्ड के बाजू में बैठेंगे। सो व्हाट इज अ पॉसिबल वे, द चाइल्ड कैन सिट लाइक दिस, यहाँ पे भी एक मैन और यहाँ पे भी एक मैन, समझा। नाउ इतना क्लियर है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के M1 M2 नहीं डाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 कॉम्बिनेशन है, इस 10 कॉम्बिनेशन में कोई भी आ सकता है, 10 से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, क्लियर है, 10 से पहले मल्टीप्लाई होगा, 10 कॉम्बिनेशन है। अभी एक इंटा ग्रुप हो गया, ठीक है, एम सी एम, ये समझ में आया, हाँ एम सी एम एक ये ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके पास तीन मेंस है, इसके अलावा बचेंगे तीन मेन और दो वुमेन, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे, यहां से आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, छह लोग आएंगे, यहां से आपको तीन लोग मिल जाएंगे और यहाँ से आपको दो लोग मिल जाएंगे, कितने लोग हो गए, सिक्स कैन बी अरेंजेस, क्या सिक्स माइनस वन फैक्टोरियल बराबर फाइव फैक्टोरियल। दिस सिक्स पर्संस क्या लिखेंगे हम लोग,
six persons can be arranged, लिखने को बोल रहा है, can be arranged on a circular table, around a table we can say, can be arranged around a table in 6 minus 1 factorial, it is equal to 5 factorial ways. Also, the men within the group can be arranged in two ways. Also, men within the group, also men within the group can be arranged in two factorial ways. ठीक है, बट हम लोग को कौन सा मेन लिया, एम वन एम टू एम टू एम थ्री कौन सा लिया, तो टू मेन आउट ऑफ फाइव मेन कैन बी प्लेस्ड इन 10 वेज. ये वाला एग्जाम्पल देख लो, हाँ यहाँ पे क्लियरली लिखेंगे हम लोग, टू मेन आउट ऑफ फाइव कैन बी सिलेक्टेड इन 10 वेज. ठीक है, क्या क्या आंसर देखो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आना चाहिए, पहला तो उन्होंने 10 में से 5 में से 2 मेन को कैसे सिलेक्ट किया 10 वेज में, फिर बाजू में चाइल्ड के बाजू में मेन को कैसे बिठाया 2 फैक्टोरियल वेज में, और पूरा अरेंजमेंट कैसे किया 5 फैक्टोरियल में. इसका आंसर आएगा 10 इंटू 2 इंटू 120, आंसर इज 2400. ठीक है, समझ में आ सकते ये, ट्राई टू सॉल्व सम नंबर 8 तो सॉल्व को फटाफट, आउट ऑफ 5 ये वाला नहीं समझा ना, वापस बोलो ये ना, ये वाला ना, यस यस. हम लोग ने कौन सा लिया था, एमसीएम, बट इन 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 10 में से कोई भी हो सकता है ना ये, यस. m1c m2 m1c m3 m1c m4 तो 10 कॉम्बिनेशन है ना, सो दिस ग्रुप कैन बी फॉर्मड इन 10 वेज ना, अंडरस्टूड, यस यस. तो ये इसलिए मैंने MCM लिखा, M1C M2 नहीं लिखा, ये 10 तरीके से बन सकता है, ये लिखा मैंने 2 men's out of 5, 5 में से 2 men's का जो ग्रुप बनेगा कैसे बनेगा, can be selected in 10 ways, clear है, yes. अच्छे से 8000 call करोगे अभी, फटाफट 8000 call करो. Try the 8th one first. Find the number of sitting arrangement for 3 men and 3 women to sit around a table so that exactly 2 women are together. So that exactly 2 women are together. So screenshot little whatever, 60 ka second ka. Find the number of waiting sitting arrangement for 3 men and 3 women to sit around a table so that exactly 2 women are together. ठीक है, तो पहले मेंस को बिठा देंगे, फिर मेंस के बीच में जो जगह बच रहा है वहां पे वुमेन्स की ग्रुप को बिठाएंगे, W1, W2 या W2, W3 या W1, W2 या W3 या W1, W3. ठीक है, exactly 2 women are together.
सर 144 144 आ रहा है, देखते हैं। यस सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी सबको भी 144 ही आया? ये सर मेरे को 144 सबको 144 आया ना? चेक करते हैं अभी इनका आंसर। नहीं समझाएगा ना? समझाता हूँ। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? सम नंबर 8। फाइंड द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट फॉर 3 मेन एंड 3 वुमेन टू सिट अराउंड अ टेबल so that exactly two women are together, ठीक है? Question number 8 का बात करें हम लोग, sum number exercise 3.5 का 8। हम लोग को तीन men और तीन women को table पे बिठाना है, so that exactly two women are together। पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग men को बिठा देंगे, तो men कैसे बैठेंगे? M1, दूसरा men आएगा आपका M2 और तीसरा मैन आएगा आपका M3। ये तीन मेंस हो गए, M1, M2, M3। नाउ मेंस को पहले अरेंज कर लेते हैं क्योंकि मेंस के बीच में जो गैप है वहां पे वुमेन्स को साथ में बिठाना है। तो M1, M2, M3 तीन मेन हो गए। तीन मेंस को हम लोग कैसे उठाएंगे? इतना तो क्लियर है, तीन मेंस को हम लोग कैसे उठाएंगे? 3-1 हो जाएगा ये, ठीक है? इतना तो क्लियर हो गया। या तो आप एक काम करो, सबसे पहले इतना समझ में आया, थ्री मेंस can be seated around the table, three men can be seated around a table in 3-1 factorial, which is equal to 2 factorial base। इतना तो clear हो गया। अब तीन men के बीच में कितना जगह है? 1, 2, 3। तो यहाँ पे हम लोग group of women उठाना है। ये तीन मेंस के बीच में कितना जगह है? ये तीन मेंस के बीच में लोग क्लियरली देख सकते हैं कि तीन जगह है, ठीक है? कितना जगह है? तीन जगह है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वुमेन है इनको हम लोग इन गैप के बीच में उठाएंगे। क्या बोला है कि सच दैट टू वुमेन आर एग्जैक्टली टू वुमेन आर टुगेदर, एग्जैक्टली टू वुमेन आर टुगेदर। तो सबसे पहले वी कैन चूज टू वुमेन आउट ऑफ थ्री, वी कैन चूज टू वुमेन out of 3, we can choose 2 women out of 3 in 3 ways, 3P2 होता है इसका आंसर ना, 3P2 क्या होता है? 3 ways। बताता हूँ कैसे। कितने women है आपके पास? 3 women है। यहाँ पे आएगा W1, W2, एक K pair बन सकता है, फिर या तो W1, W3 एक K pair बन सकता है, या तो W2, W3 एक ये पेयर बन सकता है। तो तीन में से दो वुमेन्स अगर सिलेक्ट करना है तो दीज आर द थ्री पॉसिबल वेज, W1, W2, W3। इतना क्लियर हो गया पक्का? तो वी कैन चूज टू वुमेन्स आउट ऑफ थ्री इन थ्री वेज। थ्री वेज मतलब समझा, थ्री आंसर आएगा इसका। ये क्लियर हो गया। ऑल्सो ये जो वुमेन से ये हम लोग जो तीन गैप्स बना है M1, M2, M3 के बीच में यहाँ पे बिठा सकते हैं ना।
these women can be arranged. This group of women, or we can say that this group of exactly two women, this group of exactly two women can be arranged between men. Samjha, itna clear ho gaya? Also, the women's within the group can be arranged in two factorial ways. W1, W2 ko main W2, W1 bhi likh sakta hu. Also, the women within the group can be arranged in two factorial ways. So, number of total arrangement kitna aa gaya? Pehle hum log ne men's ko bithaya. मेंस को कैसे बिठाया? पहले हमने मेंस को बिठाया तो 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद हम लोग ने दो वुमेन्स चूज किया आउट ऑफ 3, तो इनटू 3. ये क्लियर हो गया पक्का? ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने कितना किया, उसके बाद क्या क्या आएगा? ऑल्सो द वुमेन बिटवीन द ग्रुप कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज. ये तो क्लियर हो गया सबको अच्छे से. तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या मिला? 3 मेन मिल गए. अभी ये जो वुमेन्स है 3, 1, 2, 3, ये कैसे अरेंज होंगे? दिस कैन आल्सो बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज ना. 1, 2, 3, समझा? इतना समझ में आ गया आपको? हम लोग ने दो वुमेन कैसे चूज किया, टू वुमेन्स आउट ऑफ 3 इन 3 वेज, W1, W2, W3. दिस ग्रुप ऑफ एग्जैक्टली टू वुमेन्स कैन बी अरेंज बिटवीन मेन इन 2 फैक्टोरियल वेज. हाँ, ठीक है, ये समझ में आया? इनको हम लोग 2 फैक्टोरियल वेज में लिखेंगे. अब आगे कैसे आएगा सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे इसको लोग? सो इतना क्लियर है सर? विद इन ग्रुप भी आएगा ना 2 फैक्टोरियल? विद इन ग्रुप भी आएगा ना. हाँ, वो भी. कितना आ रहा है सॉल्व करके? एक और चीज कर सकते हैं. ऑल्सो वुमेन विद इन द ग्रुप कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज. ऐसा कर लो, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो. मान लो कि यहाँ पे वुमेन है और ये भी वुमेन है. एग्जाम्पल ले लो, इनको एक ग्रुप बना दिया मैंने, इनका एक ग्रुप, फिर एक वुमेन बचेगा और ये लाइन हटा देता हूं मैं, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ सीधा. दो दो बार अरेंज करने से अच्छा एक ही बार करते हैं इसको, ठीक है? तो वुमेन्स का ग्रुप, एक वुमेन बच गया और यहाँ पे 3 मेंस, राइट? कितना हो गया? एक इनका ग्रुप, रिमेनिंग वुमेन, और ये हो गया 5. कितना हो गया ये? 5 - 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल. कितना हो गया? 5 लोग. तो 5 पर्संस कैन बी अरेंज, पर्सन बोल देंगे हम लोग, 5 पर्संस can be arranged around a table in 4 factorial ways. ये तो clear सबको? Around a table in 5 - 1 factorial, which is actually equal to 4 factorial. ये तो clear हो गया? हम लोग ने group को 4 factorial में बिठा दिया. अब women को select कैसे करेंगे? In 3 ways, ठीक है? Number of arrangement देखो कैसे आएगा. Number of arrangement नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसा आएगा? पहला आ गया 4 फैक्टोरियल पर ग्रुप को बिठा दिया, फिर 3 में से 2 वुमेन को कैसे सिलेक्ट किया इन 3 वेज, फिर W1 W2 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 फैक्टोरियल वेज में. कितना आ गया आपका आंसर? 4 144 2 फैक्टोरियल वेज. 2 फैक्टोरियल वुमेन 1 वुमेन 2 को भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं ना, लिखा है देखो यहां पे. दिस आल्सो वुमेन्स विद इन द ग्रुप कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, लिखा है ना? क्लियर है? तो पहले हम लोग को क्या करना था? 3 में से 2 वुमेन को सिलेक्ट करना था इन 3 वेज, फिर वुमेन्स विद इन द ग्रुप कैन बी अरेंज्ड देमसेल्फ इन 2 फैक्टोरियल वेज. बाद में 5 पर्संस कैसे बनेंगे? एक ग्रुप ऑफ वुमेन, एक रिमेनिंग वुमेन और 3 मेन.
कितने लोग हैं? पांच लोग. पांच लोग को राउंड टेबल पे कैसे अरेंज करेंगे हम लोग? फोर फैक्टोरियल बेस. अंडरस्टूड? पक्का क्लियर? ठीक है, समझा सबको ये? पक्का? जिनको भी नहीं समझ में आया तो उनको समझ में आ गया पक्का? एवरीवन. तो पहले मेंस को बिठा था, फिर मेंस के बीच में हम लोग जो गैप है वहां पे बिठा रहे थे, उससे भी आंसर आता ही था. ठीक है, क्लियर? इतना अच्छे समझ में आया पक्का? आगे मूव करते हैं, हटा रहा उसको मैं. आई विल मूव टू सम नंबर 9. थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन वाला, जो हमने किया है फोर्थ एक्सरसाइज में. जितना रिपीट होता है उसमें निकाल देते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 9th वाला पढ़ते हैं अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं आंसर क्या है. विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. ध्यान देना अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9th में बोला गया है, फोर ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक. चार ऑब्जेक्ट सेम है 10 में से. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम इन अ सर्कुलर ऑर्डर. तो हम सबको पता है कि यहाँ पे क्लियरली बोला है जो चार ऑब्जेक्ट सेम और डिनोमिनेटर में निकल जाएगा क्या आएगा आंसर. यू कैन क्लियरली से दैट 10 थिंग्स, 10 ऑब्जेक्ट जो भी लिखो, 10 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज ऑन अ सर्कुलर टेबल. 10 ऑब्जेक्ट्स can be arranged on a circular table of which four are alike in 10 minus 1 factorial, जो क्या circular का, upon 4 factorial. 4 factorial की लिख रहे हम लोग, जो repeat होता है उसको हम लोग निकाल देते हैं ना. पढ़ाया था मैंने आपको सविता arrangements, ये सब मुंबई कैसे करना है अरेंजमेंट. तो 10 में से चार ऑब्जेक्ट सेम है, तो हम लोग को इसको अगर सर्कुलर टेबल पर अरेंज करना है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. तो आंसर कितना आएगा आपका? 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. सिंपल सा आंसर है, इसको छोड़ दो यहाँ पे, इतना ही आंसर है. कुछ नहीं, जो सेम होता है जितनी बार जो रिपीट होता है उसको डिनोमिनेटर में निकाल देते. तो आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. सो 10 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज ऑन अ सर्कुलर टेबल ऑफ विच 4 आर अलाइक in 10 minus 1 factorial upon 4 factorial. The answer is 9 factorial upon 4 factorial. Clear? Understood? Pakka? Everyone? Samajh mein aaya pakka sabko ye? Yes or no? Jaldi bolo, samjha? Everyone? Nahi samjha ye? Number of distinct permutation, yaar. Bhul gaya kya? Number of distinct permutation. To jo repeat hota hai, usko denominator mein nikal dete na. Yes. N factorial upon P factorial into Q factorial into R factorial. बता था मैंने आपको, तीन बुक है, दो बुक मैथ्स के है, दो बुक फिजिक्स के है, तो हम लोग उसको डिनोमिनेटर में निकाल लेते टोटल में से. किया ना 3.4 में, स्क्रीनशॉट लो फटाफट. 10 ऑब्जेक्ट्स को पहले अरेंज करेंगे तो कैसा हो जाएगा वो 9 factorial, और उसमें चार ऑब्जेक्ट सेम है, जो सेम है उनको डिवाइड करके निकाल देंगे. सो डिवाइड बाय 4 factorial. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. 15% sits around a table. Find the number of arrangements that have two specified person not sitting side by side. So guys, ये तो उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए मैं करा रहा हूँ यहाँ पे 10th वाला. हमने क्या पढ़ा था कि two particular persons are seated alongside the host. यहाँ पे क्या बोला है? दो particular persons साथ में नहीं बैठने चाहिए. Two particular person cannot be sit side by side. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कितना यहाँ पे n 15 है. You can see that 15% कितने लोग यहाँ पे टोटल 15% sit around a table. 15% sit around a table. तो ये तो क्लियर है हम लोग की 14 factorial base में हो जाएगा ये. ठीक है, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं 15% sits around a table in 15 minus 1 factorial which is equal to 14 factorial base. ये क्लियर हो गया, इसका आंसर आएगा 14 factorial base. अब हमको क्या बोला गया है कि two specified person not sitting side by side. दो बंदे बाजू में नहीं बैठने चाहिए. हाँ, 15 लोग जो है ना, दो बंदे बाजू में नहीं बैठना चाहिए. हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कॉम्प्लीमेंटर लेंगे कि दो बंदे बाजू में बैठने चाहिए. क्या लेंगे? दो बंदे बाजू में बैठने चाहिए. तो लेट अस से
लेट टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टूगेदर, मान लेते हैं कि ये लोग साथ में बैठ रहे हैं, लेट टू पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि इसको और कोई तरीका नहीं सॉल्व करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, टोटल माइनस इवेंट, लेट टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टूगेदर, हमको क्लियरली बता गए दोनों साथ में बैठेंगे, तो इनका एक ग्रुप और बचे हुए 13 मेंबर्स, 14 मेंबर हो गए, 14 लोग कैसे आंसर होगा आप लोग, 13 फैक्टोरियल, सो देयरफॉर ग्रुप ऑफ टू पर्संस, ऐसा इतने से मैं सीधा उधर हो गया, दो पर्सन है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ टू पर्सन पीई, दो पर्सन हो गए जो साथ में बैठेंगे, ठीक है, प्लस क्या बैठेगा इसके साथ रिमेनिंग 13 पर्सन, इतना लोग है एक ग्रुप और यहां से प्लस 13, एक ग्रुप और 13 कितने लोग है, 14 लोग, तो 14 पर्सन कैन बी अरेंज इन ऑड वे, 13 फैक्टोरियल वेज, इतना क्लियर है, इसको हटा देते काम पे ही काम रहे, ठीक है, ग्रुप बना रहे हम लोग, सो 1 प्लस 13 कितना आ गया आंसर 14, ठीक है, तो देयरफॉर ग्रुप ऑफ टू पर्सन क्लियरली बोल सकते हम लोग, ग्रुप ऑफ टू पर्सन एंड द रिमेनिंग 13 पर्सन एंड रिमेनिंग 13 पर्सन एंड रिमेनिंग 30 पर्सन कैन बी अरेंज इन 14 माइनस 1 फैक्टोरियल can be arranged in 14 minus 1 factorial that is equal to 13 factorial clear to ye to apna ho gaya abhi group ke andar jo log baithe hain wo log bhi do way mein arrange ho sakte hain also the person within the group also the idhar maine sirf p1 p2 nahi likha hai pura naam wala hai also the persons within the group can be arranged in two factorial ways also the persons within the group can be arranged in can be arranged in two factorial ways, ठीक है, clear है? So 15% sits around the table in total ले लेते पहले in 15 minus 1 factorial that is equal to 14 factorial ways, तो ये हो गया आपका total 14 factorial और यहाँ पे क्या बोला है let two particular persons sit together, तो अगर ये particular persons साथ में बैठेंगे तो इनका arrangement कैसे आएगा, इनका arrangement आएगा number of arrangement is 13 factorial into 2 factorial number of arrangement that two particular person sit together number of arrangement that two particular person sit together kitna aayega iska answer 13 factorial into 2 factorial so therefore hum log kya chahiye tha humko chahiye tha number of arrangement by which two particular person cannot sit together saath mein nahi baithne chahiye na question kya bol raha hai find the number of arrangement number of arrangement that two particular person cannot sit side by side number of arrangement that two specified persons that two specified persons not sitting side by side is actually equal to आना चाहिए आंसर इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल टोटल अरेंजमेंट इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट द टू सिट साइड बाय साइड समझो कॉम्प्लीमेंट्री लेना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट द टू पर्टिकुलर पर्सन सिट साइड बाय साइड सो टोटल अरेंजमेंट कितना आएगा गाइस मेरा टोटल अरेंजमेंट आएगा मेरा 15 फैक्टोरियल माइनस नंबर ऑफ पर्संस number of arrangement at two particular persons sit side by side kitna aayega wo 13 factorial into 2 factorial sir wo 14 factorial hai ha ye galti ho gaya mere se 14 factorial minus 13 ab isme se common nikal sakta hu main agar maine yahan se 13 factorial common nikala to pehle mein kitna bachega 14 pata na 14 factorial ko hum log 14 into 13 factorial likhte hain theek hai to 13 factorial common nikala 14 minus yahan pe 2 factorial 2 hota hai तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका 12 इनटू 13 फैक्टोरियल दिस इज द फाइनल आंसर 12 इनटू 13 फैक्टोरियल समझा पक्का ये आंसर इज 12 इनटू 13 फैक्टोरियल तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वे में करना था इसलिए सिखाया मैंने इसके
number of arrangement that two specified person not sitting side by side is equal to total arrangement minus number of arrangement that two particular persons sit side by side. So complementary. समझा? इतने लोग साथ में बैठे तो कितने लोग साथ में नहीं बैठ रहे हैं? Total minus complementary. समझ में आया? पक्का clear है? इसमें important था. समझ के लो अच्छे से. Understood पक्का? Number of arrangement that two specified person not sitting side by side is equal to total number of arrangement minus number of arrangement that two specified person sit side by side. So complementary way में use किया इसको. P of A dash is equal to 1 minus P of A. अब complementary probability जो होता है ना वही वाला concept लगा है. ठीक है? मेरे को लगता है कि आपको समझा रहेगा पक्का ही. We'll move to the next sum. ठीक है? तो यहाँ तक तो clear हो गया सबको अच्छे से. अभी आते हैं हम लोग अपने नए exercise पे. That is about combination. सर. आज हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं. हाँ बोलो. Fourth sum बताओ ना एक बार फिर से. कौन सा? Fourth. Fourth sum. एक मिनट. फोर्थ वाले में अभी जस्ट किया ना मैंने वही तो किया सर वो ही फिर से बता वापस बताता हूँ सुनो ना शॉर्ट में सिखाता हूँ समझा के बताना अदरवाइज मैं अच्छे से अरेंज करता हूँ ठीक है फोर्थ में क्या बोला है गाइस फोर्थ में बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर 15 पर्संस टू सिट अराउंड द टेबल सो दैट नो टू अरेंजमेंट हैव द सेम नेबर देखो ना ये पहला एग्जांपल लो और एक दूसरा एग्जांपल लो चलो आप अपने हिसाब से लो ये x ले लिया मैंने इसके दो नेबर्स हो गए y और z और ये भी x ले लिया मैंने इसके दो नेबर्स हो गए z एंड y तो आप अगर देखोगे अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो नेबर्स कौन है व्हाट इज द अरेंजमेंट अगर क्लॉकवाइज जाते हो x z y और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हो x z y सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो बोल रहे सेम ये तो बोल रहे नेबर सेम नहीं होने चाहिए यहां पे भी नेबर y z आ रहा है यहां पे भी नेबर z y आ रहा है नेबर सेम हो गया That means clockwise और anti-clockwise को अगर मैंने अलग अलग count किया तो neighbor same आ रहा है That means मुझे clockwise और anti-clockwise arrangement को one count करना पड़ेगा a single arrangement तो मैंने आपको लिखा कि जैसा last section में when clockwise and anti-clockwise arrangements are same number of arrangement का formula क्या था n minus 1 factorial divide by 2 upon 2 समझा yes clockwise और anti-clockwise arrangement अगर same लिया clockwise और anti-clockwise arrangement अगर same लिया तो formula ये बनेगा अच्छा सेम क्यों ले रहा हूँ मैं क्योंकि सेम लेने पे ही नेबर सेम आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेबर सेम नहीं होना चाहिए नो टू नेबर्स आर सेम तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को हम लोग को सिंगल अरेंजमेंट काउंट करना पड़ेगा तभी जाके नेबर सेम नहीं होंगे तभी जाके इन दोनों का अरेंजमेंट सिंगल अरेंजमेंट होगा समझा अदरवाइज कितना अरेंजमेंट होता है टू अरेंजमेंट होता है क्लियर है सो वी कैन से दैट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम द आंसर इज n - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 द आंसर इज 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 अंडरस्टूड पक्का यस सर समझा Now we'll move to our last topic, our last exercise, and the last exercise is all based on combination. Totally based on combinations. Combinations mean combinations बहुत easy है guys. Combinations में सिर्फ selection किया जाता है, arrangement करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो हम लोग बात कर रहे हैं combination का, and combination is all about selections. How we are going to select 3 objects out of 5 objects? ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग. Combination, selections. तो कॉम्बिनेशन जो है उसका फॉर्मूला क्या है उस पर देते हैं तो जैसे हम लोग एनपीआर लिखते थे एनपीआर क्या रिप्रेजेंट करता है एन परमुटेशन आर वैसे कॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट करता है एन कॉम्बिनेशन आर आउट ऑफ एन आर कैन बी सिलेक्टेड एन में से आर लोग को सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग इसका फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल ठीक है और इसका मेन फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हम लोग को बहुत ज्यादा यूज होने वाला है एन सी आर का फॉर्मूला हो जाएगा एन फैक्टोरियल द फॉर्मूला इज ध्यान देना एन एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल दिस इज द फॉर्मूला बाय एड द फॉर्मूला एन कॉम्बिनेशन आर द फॉर्मूला इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल ब्रैकेट n minus r factorial n factorial upon r factorial bracket n minus r factorial n factorial बहुत rarely ये formula use करते हम लोग there is a short way of solving the combination calculation shortcut है उसका बताऊंगा but by heart the formula is n factorial upon r factorial bracket n minus r factorial n factorial upon r factorial bracket n minus r factorial ठीक है तो इसमें कुछ important note है ये मैंने आपको factorial में भी सिखाया था
जब उन्होंने पेट्रोल के सम किए थे, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि NC0 कितना होता है, NC0 होता है और NCN अप्लाई करो दोनों के दोनों, NC0 अप्लाई करो कितना आएगा, कट होके क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो NC0 और NCN दोनों का आंसर 1 ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं तो एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना 5C0 या आप 5C5 दोनों ले लो, 5C0 और 5C5 द आंसर इज ऑलवेज 1 ठीक है। NC0 इज इक्वल टू NCN एंड बोथ आर इक्वल टू 1 इन सेम वे 5C0 और 5C5 दोनों कितना होता है 1 होता है। सेकंड आएगा NC1 कितना होता है N होता है। सॉल्व करना है, सॉल्व करो N फैक्टोरियल नीचे 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, N माइनस 1 फैक्टोरियल तो कैसे हो जाएगा सॉल्व देखो, यहाँ पे ध्यान देना सब लोग कैसा आएगा फॉर्मूला लगाओ, आएगा N फैक्टोरियल R की जगह पे आएगा 1 फैक्टोरियल और N माइनस R की जगह पे आएगा N माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो N फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, N इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कट हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा N, कितना आ जाएगा इसका आंसर N, तो NC1 कितना आ जाएगा N। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं 5C1 कितना हो जाएगा 5 ठीक है। थर्ड आता है आपका फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, इसको अच्छे से रीड करो, एक मिनट में आया, रीड करो इसको अच्छे से, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इसका भी एग्जांपल लेते हैं कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि 5C3 विल बी सेम एज 5C3 will be same as 5C2. इसको भी सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करो सेम आएगा। देखो NCR N कितना है 5, R कितना है 3, तो 5C3 is equal to 5C5 minus 3, 5 minus 3 कितना हो गया 2, तो 5C3 और 5C2 सेम होता है, दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इतने फॉर्मूलास फिलहाल याद करते हैं हम लोग ताकि हम लोग बाद में पढ़ते हैं ठीक है। So what is NC0 1, what is NCN 1, what is NC1 N and the formula NCR is equal to NCN minus R. So 5C3 can be written as 5C5 minus 3. 5C5 minus 3 कितना होता है 2. Same way 10C9 can be written as, कोई बता सकता है? इस formula के मदद से how we can write 10C9 also? कोई बता सकता है 10C9 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 10C9 क्या आया होगा? 10C1. Super. So 10C9 can be written as 10C10 minus 9. And 10C10 minus 9 कितना होता है? 10C1. 10C10 minus 9 कितना होता है 10C1 ठीक है। 10C10 minus 9 will become 10C1. तो these are the important formulas that we have to solve in exercise 3.6. combination को कैसे represent करते हैं लोग, NCR this is permutation upon R factorial। देखो permutation में ना P1 P2 को P3 को अलग अलग arrangement में count किया जाता है, but selection में उसको अलग अलग नहीं लिया जाता। मैंने आपको first example में बताया था, हम लोग ने जो एग्जांपल किया था फर्स्ट लेक्चर में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, तो आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे P1 P2 और P2 P1 को दो अरेंजमेंट में काउंट किया जाता है, किसमें, परमुटेशन में, बट सिलेक्शन में P1 P2 रखो या P2 P1 रखो, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे R फैक्टर निकाल देते हैं हम लोग, जो चीज रिपीट हो रहा है उसको निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन कॉम्बिनेशन आर का, एन कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल टू एन फैक्टर अपॉन आर फैक्टर ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टर, एन कॉम्बिनेशन आर का फॉर्मूला एन फैक्टर अपॉन आर फैक्टर ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल। व्हाट आर द फॉर्मूलास, NC0 NC1 दोनों 1 होता है, NC1 N होता है और NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, वी मूव टू द सम्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे सम्स पे चलते हैं, आज हटा देता हूं मैं, देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज 3.6। बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.6 में हम लोग क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से। तो सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सब क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं, कुछ इजी सी करूंगा सिर्फ। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 15C4,
15C4. Use the formula. What is the formula? N factorial upon R factorial bracket N minus R factorial. सिर्फ एक ही सम फॉर्मूला से करा रहा हूँ, बाकी आपको मैं नॉर्मली सिखाने वाला हूँ. तो n फैक्टोरियल कितना आएगा? 15 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल. r फैक्टोरियल कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल. n माइनस r फैक्टोरियल कितना आएगा? 15 माइनस 4 फैक्टोरियल. समझ में आ गया? मतलब इसको सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा ये 15 फैक्टोरियल का लिखूंगा मैं, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 11 फैक्टोरियल. क्लियर है? सॉल्व करो, कितना आएगा? 15 फैक्टोरियल को 11 से लेके जाओ, तो 15 into 14 into 13 into 12 into 11 फैक्टोरियल आ गया. ये नीचे कितना रहेगा? 4 फैक्टोरियल विल बी 4 into 3 into 2 into 1 into 11 फैक्टोरियल. हम लोग 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं. 4 3 जा 12, 2 7 जा 15, 7 जा 105, 105 into 13. 105 into 13 कितना आएगा? 1365. कितना आएगा आंसर? 1365. एकदम सिंपल तरीका था ये, समझा? 1365. क्लियर है? एकदम सिंपल, समझ में आ गया एवरीवन? फॉर्मूला लगाया n कॉम्बिनेशन r. n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल. क्लियर? अंडरस्टूड? Now we'll move to the fourth sum of it. इसके fourth sum भी चलते हैं, देखते हैं कैसे solve करेंगे इसको. तो fourth sum में आपका 20C16 minus 19C16. इसको अच्छे से solve करना पड़ेगा. ध्यान देना, sum number 20. कोई sum number fourth. Question क्या दिया आपका? 20C16 minus 19C16 minus 19C माइनस 20C16 माइनस 19C16. इसका मैं दूसरा तरीका सिखाता हूँ सॉल्व करने का. क्या मैं 20C16 को बाय यूजिंग फॉर्मूला 20C4 लिख सकता हूँ? आपको भी पढ़ाया था मैंने, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R. और क्या मैं 19C16 को लिख सकता हूँ 19C3? समझ में आ गया पक्का ये सबको? हाँ, आप बोलोगे सर कैसे किया, क्या किया? तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया. And we know that formula, the NCR can also be written as NC n minus R. ठीक है? तो 20C16 can be written as 20C20 minus 16, which is 20C4. And 19C16 can be written as 19C19 minus 16, which is 19C3. Now, इसका alternative way क्या है solve करने का? नई formula use करना, आपको मत formula use करो, shortcut सिखाता हूँ. नीचे कितना नंबर है? चार. इसको चार नंबर लगा के एक्सटेंड करो. कैसा आएगा? 20 × 19 × 18 × 17 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1. ठीक है? माइनस 19C3 कितना नंबर है नीचे? 3. तो 3 नंबर लगा एक्सटेंड करो. सो 19 × 18 × 17 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1. ठीक है? कॉमन निकालना आपने अच्छे सीखा ही है. तो कॉमन निकालो यहाँ से. क्या कॉमन निकल रहा है? 19 × 18 × 17 और नीचे कॉमन निकल रहा है 3 × 2 × 1. क्या बचेगा इधर? 20/4 ना, इधर बच गया 20/4 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा. ठीक है? तो द आंसर इज 19 × 18 × 17 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1 और ये कितना आएगा? 5 − 4, 5 − 1 = 4. क्लियर है इतना? पक्का समझ में आया एवरीवन? ठीक है? सो 19 × 18 × 17 और कितना आ गया नीचे? 4 आ गया. कितना आ गया नीचे? 4 आ गया. इतना क्लियर है? अब इसको एक्सटेंड करना आता है सबको. इसको आराम से सॉल्व करके आप आंसर लिख सकते हो. ठीक है? सबको आता है, कैलकुलेशन में नहीं सिखाने वाला, आपको टफ हो जाएगा वो. ठीक है? मल्टीप्लाई करके यू कैन इजीली गेट द आंसर. अंडरस्टूड? मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ रहा है. प्लीज कंफर्म द चैट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 1 समझे सबको? एवरीवन? यस सर. ठीक है, कुछ नहीं है. तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो? 20C16 को क्या लिख रहे हो? 20C4. तो 20C16 को लिख रहे हैं हम लोग 20C4.
और 19C16 को क्या लिख रहे हैं 19C3 और कितना नंबर के नीचे चार, तो चार नंबर लग एक्शन करने का, कितना नंबर के नीचे तीन, तो तीन नंबर लग एक्शन करने का और सॉल्व करने का, ठीक है। विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, हटा रहा इसको मैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, यू विल चेक इट आउट क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देंगे सब लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया फाइंड एन एफ, फाइंड एन एफ फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, फाइंड एन एफ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 6P2 इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ 6C2, वेरी सिंपल। क्या क्वेश्चन देखो, 6P2 इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ 6C2, ठीक है। Use the formula guys, permutation or combination दोनों का formula use करो। What is the formula for permutation? NPR, N factorial upon N minus R factorial ना? इसका answer कितना आएगा? 6 factorial upon 6 minus 2 factorial, ठीक है? N factorial upon N minus R factorial is equal to N times of 6C2 कितना आएगा? NCR का formula, NCR का formula क्या था? N factorial upon R factorial bracket N minus R factorial कितना आएगा? 6 factorial upon 2 factorial bracket 6 minus 2 factorial n 2 आया, ठीक है। यस सर 2 आ रहा है, कैंसिल 4 factorial का कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, n is equal to 2 factorial and you know that 2 factorial is actually equal to what, the answer for n we got as 2, ठीक है। सॉल्व द थर्ड वन, थर्ड वाला ट्राई करो, nc n minus 3 is equal to 84, nc n minus 3 is equal to 84, करो सॉल्व अच्छे से, बताओ कितना आना चाहिए n आपका, nc n minus 3 is equal to 84, get that, NC n minus 3 is equal to 84. Find n. The question demands to find n. बताओ आंसर कितना आ रहा है n का? आराम से दिमाग लगाओ, सॉल्व करो अच्छे से इसको. NC n minus 3 is equal to 84. 9. Others waiting for the answer from others. बाकी लोग कितना आया? 9. सबको आया ना गया? Yes. तो सॉल्व करते हैं इसको, NC n minus 3 is equal to 84. मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, ध्यान देना सब लोग। फॉर्मूला लगाया तो n फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, n factorial upon r factorial, तो r factorial कौन है यहाँ पे, n minus 3 है, so n factorial upon r factorial bracket n minus r factorial, तो n minus r factorial कितना आएगा, n minus of n plus 3 which is equal to 84, समझा? तो आपको क्या मिल रहा है आंसर, यहाँ पे मिल रहा है आपको n factorial को n minus 3 लेके जाओ ना, so n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 factorial, यहाँ तले लेके गया इसको, डिनोमिनेटर में मैं n माइनस 3 फैक्टोरियल लेके गया और एक कट हो कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू 84, क्लियर। नाउ n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, n इनटू n माइनस 1 इनटू n माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 84 इनटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है। नाउ ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर है, वो भी तीन कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए, 84 इनटू 6 कितना होता है, 504, आपको मिलेगा n into n minus 1 into n minus 2, prime factor निकालोगे
तो आप जो से बोल रहे हो मेरे को लगता है कि 987 होना चाहिए. तो 98 का 72, 72 7 का 504. तो बाय ऑब्जर्वेशन वी गॉट n इज इक्वल टू 9. परफेक्ट. द आंसर इज n इज इक्वल टू 9. बोलो nc n minus 3 को nc 3 लिख सकते. क्या बात है, सुपर. लिख सकते हैं nc 3 लिख सकते हैं, सुपर. उसमें मैं दिमाग ही नहीं गया. तो nc n minus 3 को हम लोग nc 3 लिख सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ncr इज इक्वल टू nc n minus r. सुपर, 100% राइट है. ठीक है, अंडरस्टूड, सबको समझ में आया पक्का. बोलो कुछ डाउट है अभी भी? अंडरस्टूड ना सर? पेज 52 का एक्सॉल्व एग्जांपल अभी फिलहाल तो ये सम करते हैं, सॉल्व एग्जांपल देखते हैं थोड़ा आगे, समझाता हूं सब मैं लास्ट में जब डाउट सॉल्व करेगा. तो पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं ना. ठीक है, सॉल्व एग्जांपल कराऊंगा मैं, पहले थोड़ा एक्सरसाइज करा लेने को. ठीक है, आपके सब डाउट्स क्लियर करूंगा मैं, टेंशन मत लो. सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? फाइंड एन एंड आर. फाइंड एन एंड आर थर्ड सम मैंने छोड़ दिया क्योंकि आप लोग करोगे. फाइंड एन एंड आर इफ, फाइंड एन एंड आर इफ. इसमें पहला क्वेश्चन है एनपीआर 720. पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एनपीआर कितना दिया है? एनपीआर 720 और उसके बाद दिया है एनसी एन माइनस आर 120 एंड एन सी एन माइनस आर 120. ठीक है, ये फॉर्मूला है एनपीआर 720 और एन सी एन माइनस आर 120. मगर ध्यान देना, हम लोग बोल सकते हैं कि एन सी आर इज एक्चुअली इक्वल टू एन सी एन माइनस आर एंड दिस इज इक्वल टू 120. बराबर है? तो कैन यू राइट डायरेक्टली कि एन सी आर 120 होगा? क्लियर है? Also, we know the relation. NCR का एक relation बताओ, हमने पढ़ा था कि NCR is equal to NPR upon N factorial upon R factorial. पढ़ा था मैंने, जो कोई just लिखा के दिया था कि NCR is equal to NPR upon R factorial. What is NCR given? NCR is given as 120. Then NPR is given as 720 divided by R factorial. So if you want to get R factorial, so R factorial कितना हो जाएगा मेरा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 126. तो 6 किसका होता है भाई? 6 3 फैक्टोरियल होता है ना. तो वी कैन से दैट r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल. सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से दैट r इज इक्वल टू 3. तो मेरे को r तो मिल गया, अब n चाहिए मेरे को. तो नाउ ncr क्या बन जाएगा? nc3 बन जाएगा. नाउ वी कैन से दैट ncr विल बिकम nc3 और nc3 कितना आ रहा है? 120 आ रहा है. So, NC3 को सॉल्व कैसे करेंगे? तीन नंबर पीछे लेके जाएंगे, नीचे भी तीन नंबर पीछे लेके जाएंगे. मैंने बताया तीन है तो तीन नंबर लेके जाओ. n हो जाएगा, फिर n माइनस 1 हो जाएगा, फिर n माइनस 2 हो जाएगा और नीचे कितना आएगा? 3 into 2 into 1 which is equal to 120. Understood? So, 3 into 2 into 1 कितना आएगा? 6 और ये 120 तो कितना होगा आंसर? n into n माइनस 1 into n माइनस 2 डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 360. कितना मिला मेरे को? 10. तो r का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 10. वेरी सिंपल, r का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 10. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. r का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 10. ठीक है, अंडरस्टूड पक्का एवरीवन? एक समझे रहा हूं आप लोग करने के लिए, तो अच्छे से सॉल्व करना उसको. इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम वेयर वी हैव टू फाइंड n एंड r. वी गॉट n का वैल्यू 10 एंड r का वैल्यू इज 3. n इज 10 एंड r इज 3. क्या दिया क्वेश्चन?
NPR 181440. तो आपको N permutation R दिया है 181440 और N combination R कितना दिया है? N combination R दिया आपको 45. N permutation R 181440 N combination R 45. आपसे बोला जा रहा है find N plus 4 C R plus 3. ये फाइंड करना है N plus 4 C R plus 3. कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो इन दोनों को सॉल्व करके पहले N और R निकालोगे जैसा अभी पीछे किया और फिर यहाँ पे N और R को पुट करके यू कैन इजीली गेट द कॉम्बिनेशन. गिव अ ट्राई, यू गॉट 3 मिनट्स फॉर इट. 3 मिनट्स दे रहा हूँ, ट्राई करो अच्छे से आंसर. NPR NCR NPR NCR NPR का NCR का फॉर्मूला यूज करो. NCR is equal to NPR upon R factorial. 45 को 181440 से डायरेक्टली डिवाइड करो. डिवाइड होना ही होना है इसको. 45 4s are 180. 3s are 135. सर R 8 आ रहा है. 4320 आ रहा है. 4320 आ रहा है मतलब 4320 मेरे ख्याल से कौन सा फैक्टोरियल है? 4320 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल. फिर एन का वैल्यू 8 आ गया. आर का वैल्यू 8 आ गया. अभी एन निकालो वहां से. आर का वैल्यू 8 आ गया. अब एन निकालो. वंस यू गेट एन एंड आर यू कैन इजीली गेट द आंसर. ना निकालो फटाफट. आर का वैल्यू 8 आ गया. आर का वैल्यू 8 आ गया. अब एन निकालो. सो वंस यू गेट एन एंड आर यू कैन इजीली गेट द अबव कॉम्बिनेशन. तो R का वैल्यू आप लोगों को 8 फैक्टोरियल मिला. तो सॉल्व करके आपको मिला रहेगा R इज इक्वल टू 8 और N इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? देयरफॉर N प्लस 4 C R प्लस 3. N कितना है? 4 है ना. N 10 है. तो 10 प्लस 4 14 और ये 11. 14 C3 कैन बी डन एज 14 C11 कैन बी डन एज 14 C3.
इसको सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा. एंड द आंसर आपने कितना बोला, फटाफट बोलो कितना बोला इसका आंसर. 364. आंसर इज 364. अंडरस्टूड एवरीवन? सिंपल सब्जेक्ट है तो द आंसर इज 364. तो एन और आर निकाल के ऊपर का कॉम्बिनेशन मिटाना था, एन और आर निकाल के ऊपर का कॉम्बिनेशन मिटाना था. ठीक है, we will move to the next sum. Sum number 7. मैं यहाँ से हमारा वर्ड प्रॉब्लम सम स्टार्ट होते हैं और सम्स बहुत इजी गैस. सिलेक्शन है, सिर्फ 6 में से 4 लोगों को कैसे सिलेक्ट करोगे 64, 10 में से 8 लोगों को कैसे सिलेक्ट करोगे 10C8, 11 में से 12 लोगों को कैसे सिलेक्ट करोगे पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो हमेशा एन बड़ा होना चाहिए. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करना है. आउट ऑफ 10 मेंबर्स 6 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 10C6 वेज. तो आते हैं सम नंबर 7 में. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 9 बॉल्स फ्रॉम अ बैग दैट हैज 6 रेड बॉल 3 ग्रीन बॉल एंड 7 ब्लू बॉल सो दैट 3 बॉल्स ऑफ एवरी कलर आर ड्रॉन. तो हमारे पास ना टोटल यहाँ पे क्या क्या है, हमारे पास यहाँ पे 6 रेड बॉल है, 8 ग्रीन बॉल है और 7 ब्लू बॉल है. मुझे इनमें से 9 बॉल्स निकालने हैं 3 अलग अलग कलर्स के. तो 3 कलर रेड के होने चाहिए, 3 कलर ग्रीन के होने चाहिए और 3 कलर ब्लैक के ब्लू के होने चाहिए. तो मैं बहुत अच्छे समझाता हूँ, सब ध्यान देना अच्छे से. तो हम लोग को 9 बॉल्स ड्रॉ करना है आउट ऑफ सो एंड सो बॉल्स, राइट. सो गाइस सबसे पहले क्या करना है, हम लोग 3 रेड बॉल्स ड्रॉ करते हैं आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स. तो 3 रेड बॉल्स कैन बी ड्रॉन, 3 रेड बॉल्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स इन हाउ मेनी वेज, इन 63 वेज. ये समझा, 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग. ड्रॉ करना मतलब सिलेक्ट करना, एक ही बात होता है ना, ड्रॉ करना मतलब हाथ से निकालना मतलब सिलेक्ट करना. तो 3 रेड बॉल्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 6 रेड बॉल इन 63 वेज. सेम वे दूसरा बोलूंगा मैं, 3 ग्रीन बॉल्स ना, दूसरा क्या मेरा 3 ग्रीन बॉल्स. सो 3 ग्रीन बॉल्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 3 ग्रीन बॉल्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 8 ग्रीन बॉल्स, आउट ऑफ 8 ग्रीन बॉल्स इन 8C3 वेज. इसका भी आंसर आएगा 8C3 वेज. फिर अगला क्या बोला है, 3 ब्लू बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स कैन बी ड्रॉन, 3 ब्लू बॉल्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ कितने ब्लू बॉल्स है मेरे पास, 7, आउट ऑफ 7 ब्लू बॉल्स, आउट ऑफ 7 ब्लू बॉल्स इन कितने वेज में, इन 7C3 वेज. समझा, तो 3 रेड बॉल चाहिए था 6 में से, 3 ग्रीन बॉल्स चाहिए था 8 में से और 3 ब्लू बॉल्स चाहिए था 7 में से. तो नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, नंबर ऑफ वेज that 9 balls of 3 colors each. Number of this, total number of ways likhte hain, sir question aapko pata hai hai kitna aayega answer. Pehla aayega 6C3, pehla kitna aayega 6C3, 6 mein se 3 red balls 6C3 into 8C3. Abhi aap bologe sir into kyun aa raha hai, kyunki 9 balls chahiye na total. To 3 yahan se तीन रेड का, 3 ग्रीन का और 3 ब्लू का. इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. सॉल्व करो इसको, इसका आंसर बता फटाफट. सॉल्व करो इसको अच्छे से सब लोग, देखो इसका आंसर चाहिए. निकालो इसका आंसर फटाफट. 6C3 into 8C3 into 7C3. मैं पहले पढ़ा था कैसे सॉल्व करना है, इसके नीचे कितना नंबर है, 3. तो 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 into 1. ये कितना आएगा,
8 into 7 into 6 divided by 3 into 2 into 1. This is 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2 into 1. Samjha? Cut to low. Ye 6 or 6 cut to jayega. Kitna bachega? 5 4s are 20. Ye 6 is 6 cut to jayega. 8 7s are 42. 56. 56. Aur ye cut kitna aayega? 35. So 20 into 35 700. 700 into 56. So 56 7s are 280 or 112. 112, 292. ऐसा कुछ देखो 280 हाँ बराबर सो 3920 दिस इज अ वे टू गेट द आंसर ठीक है तो हम लोग को टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करना था 3 रेड का 3 ग्रीन का और 3 ब्लू का सो 3 रेड बॉल 6 रेड बॉल्स में से कैसे सिलेक्ट करेंगे 63 वेज 3 ग्रीन बॉल्स 8 ग्रीन बॉल्स में से कैसे सिलेक्ट करेंगे 83 वेज और 3 ब्लू बॉल्स 7 ब्लू बॉल्स में से कैसे सिलेक्ट करेंगे 73 वेज Number of ways that 9 balls out of 6 red balls, 8 green balls and 7 blue balls such that each ball is of 3 color can be selected in this many ways. The answer is 39200. Understood everyone? Pakka samjha sabko ye? 7 sum sabko clear hai? Yes or no? Samajh mein aaya pakka? Samjha 8 pe aate hain padhe. So screenshot lo 8 pe aate hain. Take the screenshot fast, we'll move to the 8th sum. 8th sum. So find the number of ways of selecting a team of 3 boys and 2 girls from 6 boys and 4 girls. So directly करें इसे shortcut में. हाँ? तो आप लोग अच्छे से लिख लेना. हम लोग क्या बोला हमारे पास कितने boys and girls हैं? हमारे पास 6 boys हैं. And 6 boys हैं and 4 girls हैं. 6 बॉयज और 4 गर्ल्स में से हम लोग क्या करना है हम लोग को कितने 3 बॉयज और 2 गर्ल्स सिलेक्ट करना है तो यहां से हम लोग को 3 बॉयज सिलेक्ट करना है और यहां से हम लोग को 2 गर्ल्स सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज कितना आएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट द नंबर ऑफ वेज दैट दे कैन बी सिलेक्टेड 6 में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करोगे 6C3 एंड मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन और 4 में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करोगे 4C2 क्लियर है 120 वेज कितना आएगा आंसर 120 63 20 होता है और 4C2 कितना होता है 4 पेट्रोल 12 आएगा कट हो गया ना 6 कितना आएगा 120 वेज सिंपल सा बनता है चलो 9th सम कुछ ट्राई करो 2 मिनट दे रहा हूं 9th सम ट्राई करने के लिए गेट मी द आंसर फॉर 9th वर्ड आना चाहिए 9th का आंसर फॉलो अच्छे से आंसर आएगा 9th वाला क्वेश्चन नंबर 9 टाइम जो ट्राई करो देखो आ रहे हैं अच्छे से ट्राई करो अरेंजमेंट में फॉर्मुलेशन तो अरेंजमेंट दो टाइप के पढ़े हमने लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट
इट इज लीनियर परमुटेशन एंड सर्कुलर परमुटेशन. नाइन्थ वाले आते हैं, क्या बोला नाइन्थ में, आफ्टर अ मीटिंग एवरी पार्टिसिपेंट शेक हैंड विद एवरी अदर पार्टिसिपेंट. ठीक है, एक मीटिंग होने के बाद हर एक लोग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया. इफ द नंबर ऑफ हैंडशेक इज 66, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मीटिंग. गाइस बहुत सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि हमारे पास एन पार्टिसिपेंट्स हैं मीटिंग में, तो अभी हाथ मिलाने के लिए कितने लोग, दो जन को तो आना पड़ेगा ना यार. तो जितने भी पार्टिसिपेंट है अगर हाथ मिलाना है तो दो लोग को तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना हैंडशेक के लिए. एक अकेला आदमी दोनों हाथ ना मिला सकता है, तो एक सामने वाला एक फ्रंट वाला दोनों जन हाथ मिलाएंगे तो कम से कम एन में से दो लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो आउट ऑफ एन पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट कैन बी सिलेक्टेड इन एन सी टू वेज. नाउ कितने हैंडशेक हुए टोटल, 66 हैंडशेक हुए. सो एन सी टू इज इक्वल टू 66, दिस इज द आंसर. अब इसको सॉल्व करो आपका आंसर. तो हाथ मिलाने के लिए आपको दो पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो एन सी टू इज इक्वल टू 66. कितने हैंडशेक हुए, 66 हैंडशेक हुए. नाउ एन सी टू को कैसे लिखेंगे हम लोग, दो नंबर है तो दो नंबर एक्सपांड करो, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू वन, दिस इज इक्वल टू 66. कितना आ गया आंसर, n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 132. इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, n इंटू एन माइनस वन 132 को लिख सकता हूँ मैं 12 इंटू 11. तो बाय ऑब्जर्वेशन वी गॉट n इज इक्वल टू 12. तो कितने लोग थे मीटिंग के अंदर, 12 लोग थे. n इज इक्वल टू 12, 12 पार्टिसिपेंट्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग. सो आप क्लियरली लिख सकते हो फॉर अ हैंडशेक वी रिक्वायर टू persons, राइट. सो आउट ऑफ n persons, टू persons कैन बी सिलेक्टेड इन एन सी टू वेज. सो आवर आंसर इज एन सी टू इज इक्वल टू 66. एन सी टू अगर 66 आ गया, सो द आंसर इज n इज इक्वल टू 12. द आंसर इज n इज इक्वल टू 12. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ में आया सबको, एक बार देख के लो ये एक्सरसाइज पूरा 3.6 अच्छे से देख के लो. क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को. सब उन्होंने 3.5 पूरा कंप्लीट किया फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3.5 का क्वेश्चन नंबर 9 तक किया. नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इससे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे.